हाय फ्रेंड्स, कुरलेस किचन में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमृता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओट्स का डोसा। जब भी आपको डोसा खाने का मन कर रहा हो तो आप इसे झटपट से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू कर देते हैं। ओट्स डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है प्लेन ओट्स 1.5 कटोरी जितना। उसी में हमें 2 चम्मच जितना दही डाल देना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें बैटर बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि आप ऐसे ही मेरी नई नई रेसिपी देख सकें, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। यहाँ पर हमें और कुछ नहीं, सिर्फ पानी डालना है और ऐसे मिलाकर रख देना है। पानी डालकर मिला देने के बाद 15 मिनट के लिए हमें ढककर रख देना है। 15 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो थोड़ा सा ये फूले हुए रहेंगे। उड़न विस के सहायता से हमें ऐसे कर देना है ताकि अच्छे से बैटर बन सके हमारा ओट्स का। देखिए अब ये थोड़ा सा मैश हो चुका है। आप चाहो तो इसे पहले मिक्सिंग जार में डालकर पीस कर उसके बाद में पानी डालकर भिगोने के लिए रख सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था इसलिए मैंने और थोड़ा पानी मिला दिया है। अब इसी में हम आधा कटोरी जितना सूजी डाल देंगे और आधा कटोरी से थोड़ा सा कम चने का आटा डाल देंगे। अब इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसमें गुटियाँ ना हो। अगर आपको बैटर गाढ़ा लग रहा है तो फिर से आप थोड़ा सा पानी डालकर बैटर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। मिला देने के बाद 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच जितना अजवाइन, आधा चम्मच जितना जीरा, इन सभी को पहले हमें अच्छे से मिला देना है। बारीक कटी हुई टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, धनिया पत्ता और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इन सभी को हमें बैटर में डालकर मिक्स कर देना है। आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और भी अगर आपको पत्ता गोभी ऐसे कुछ भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब हम इसे मिला देंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को अभी नहीं डाला है, बच्चों के लिए मैं ऐसे ही करूँगी। पैन को हमें गरम करने के लिए रख देना है और अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। सेंटर में बैटर डालकर अच्छे से ऐसे फैला सकते हैं आप चम्मच की सहायता से। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते तो ऐसे ही रख दें। अगर खाते हैं या फिर आप बड़ों के लिए कर रहे हैं तो ऊपर से ऐसे हरी मिर्च डाल दें। देखिए ऐसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप हरी मिर्च को। अब ढक कर हमें 30 सेकेंड के लिए रख देना है। आधा मिनट होने के बाद हम ढक्कन हटा देंगे। साइड से ऐसे घी या फिर ऑयल डाल सकते हैं। अब हम इसे पलट देंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए कितने अच्छे से बने हैं। अब ये दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं, इन्हें अब हम निकाल देंगे। एक और में डालकर दिखा देती हूँ आपको। पहले तवे को अच्छे से ग्रीस कर लें, सेंटर में बैटर डालकर ऐसे फैला दें। आप इस डोसा को नॉनस्टिक या फिर लोहे के तवे पर भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी ये तवे को चिपकती नहीं है। हरी मिर्च डालकर आधे मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ दें। बाद में ढक्कन उठाकर तेल डाल देना है किनारों में और डोसा को पलट देना है। दोनों साइड से अच्छे से पक देने के बाद अब हम इन डोसा को सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया सा बना है हमारा डोसा।
आप इसे सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ दे सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू। बाय बाय।